नमस्कार अम्बरीजनो, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2023 सीयूईटी का अनाउंसमेंट हो चुका है। ऑफिशियली एनटीए की वेबसाइट पे नोटिस जारी किया गया, जिसमें सीयूईटी 2023 साथ ही साथ नीट और जेईई मेंस के दो पेपरों का डेट जो है वो रिवील कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे उन वीडियोज को देखा होगा और कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग भी शुरू कर दिए होंगे कि हमारे पास कितना समय है और हमें ये तैयारी कैसे करनी है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे 12वीं में हैं, जो अपना बोर्ड एग्जाम्स आने वाले मंथ में देने वाले हैं, या जो बच्चे गैप ईयर के हैं, यानी उन्होंने पिछले साल ही 12वीं पास कर लिया है लेकिन उन्हें कमिंग मंथ में जो है वो सीयूईटी के एग्जाम्स देने हैं, तो सीयूईटी 2023 का जो फुल एक प्लानिंग है वो क्या हो सकता है और ये सीयूईटी एक्चुअली है क्या। क्योंकि इस वीडियो को मैं इस एम से बना रहा हूं कि हर एक बच्चों को सबसे पहले सीयूईटी के बारे में एक अच्छी नॉलेज हो जाए। और इस वीडियो को बनाने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है 16 लाख फॉर्म भरे जाने के बावजूद बस 9 लाख लोगों द्वारा पेपर दिया जाना, और उससे भी बड़ा रीजन ये कि पेपर देने के बाद एक बड़े अमाउंट में बच्चों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल ना करना। इट मींस बच्चों को यही नहीं पता है कि वो बीए करने जा रहे हैं तो उन्हें क्या कोर्स लेना चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स लेना चाहिए, वो बीकॉम करना चाहते हैं तो उन्हें कौन सा डोमेन चूज करना है, अगर उन्हें बीएससी करना है, बीए एलएलबी करना है, उन्हें इस तरीके के और यूजी कोर्सेज करने हैं या पीजी करने हैं, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट जो एलिजिबिलिटी है, जो सब्जेक्ट प्रिफरेंस है वो क्या है। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बड़े अमाउंट में बच्चों को बुला रहा हूं कि आप अब आ जाओ, सीयूईटी 2023 का एक फुल डिटेलिंग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग 15 से 20 वीडियोज में सीयूईटी 2023 का एक एक पॉइंट समझ जाओगे। और ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है जिससे कि लाखों बच्चों ने जो गलतियां करी वो गलती आप ना करो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस अनाउंसमेंट वीडियोस के बाद आज से आप लोग अपने सब्सक्राइब चैनल के लिस्ट में एक चैनल ऐड कर लोगे और वो चैनल है बीएचयू पाठशाला। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि बीएचयू पाठशाला की अगर प्लेलिस्ट आप देखोगे तो आप खुद सेटिस्फाई हो जाओगे कि हां सर ने सीयूईटी या जेईई मेन या नीट या जो भी एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज इंफॉर्मेशन है, चाहे ऑफिशियल चाहे एनालाइज चाहे अनऑफिशियल, उन चीजों को स्मार्ट बोर्ड पे बहुत ही आराम से एक एक स्टेप एक एक पॉइंट्स को सबसे पहले और सटीक तरीके से आप तक पहुंचाया गया है। सो प्लीज मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि बीएचयू पाठशाला को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें और खुद से प्रॉमिस करें कि आने वाले समय में यदि आपको विश्वविद्यालय में दाखिला लेना है तो आप बीएचयू पाठशाला के हर एक सुझाव हर एक स्टेप वाइज जो वीडियो जाएंगे उसको देखोगे और उसको एज इट इज फॉलो करोगे। स्टार्ट किया जाए सीयूईटी 2023 का है। सीयूईटी 2023 एक न्यू प्लेटफॉर्म है जो कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा इंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म बन चुका है। पहला है नीट, जिसमें सबसे ज्यादा लगभग 16.5 लाख 17 लाख के आसपास लोग फॉर्म डालते हैं और इसका भी अमाउंट कुछ ऐसा ही है। लास्ट टाइम 15,90,000 यानी 2022 में पहली बार इंप्लीमेंट हुआ और इसका जो फॉर्म सब्सक्रिप्शन था वो था 15,90,000 अप्रॉक्स। निश्चित रूप से देखा जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट है, बच्चे इतने ज्यादा गंभीर हैं क्योंकि भाई बच्चों को क्या चाहिए, 12वीं के बाद एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से वो अपने आगे की शिक्षा को अपने एजुकेशन को आगे ले जा सके। उसके बाद उनका एम होता है, किसी को सीए बनना है, किसी को यूपीएससी में जाके आईएएस पीसीएस बनना है, किसी को वनडे एग्जाम में जाना है, किसी को शिक्षा के क्षेत्र में जाकर टीचर बनना है या किसी को रिसर्च करना है, तो इन तमाम चीजों के लिए यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आगे का रास्ता खोलती है। तो सीयूईटी दूसरी बार होने जा रहा है 2023 में, पहली बार ये 22 में हुआ जिसमें बहुत सारी कमियां थी। इसके सेंटर पे एग्जाम के पेपर नहीं पहुंचे तो बच्चे जाके बहुत होड़ हल्ला किए, बहुत शोरगुल हुआ, आपने देखा होगा सिलेबस के बियॉन्ड जाके क्वेश्चंस को देना, प्रॉपर वे में एग्जाम को नहीं कराना थोड़ा सा पानी देना
प्रॉपर वे में एग्जाम को नहीं कराना और बहुत सारी ऐसी चीजें रही जो बच्चों को लगातार परेशान करती रही। उतना ही नहीं, रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट में प्रॉब्लम, तो उनके आंसर की में प्रॉब्लम, जब यूनिवर्सिटी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालती है तो उसमें भी प्रॉब्लम। मैं आपको अब से इस वीडियो में 5 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सीओईटी की तैयारी करने से पहले आपको ये प्लान करना है कि आपको किस कोर्स में जाना है। सीयूटी आने के बाद आपके पास मल्टी विंडोज ओपन हो जाते हैं कोर्सेज के। ऐसा नहीं है कि आज तक आपका एम बस बीए करना था तो आप बस बीए ही पढ़ोगे और बीए का ही पेपर दोगे। आपको पता होना चाहिए, अगर प्रॉपर वे में इसके सिलेबस को आप देखोगे तो आप एक पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो एक ही प्रिपरेशन से, इवन एक ही पेपर से। जैसे है इसका सीयूटी का जो सिलेबस है, इसके 3 मेजर पोर्शन है। पहला क्या है, एक है आपका लैंग्वेज, आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इस तरीके के। टोटल इनके पास पेपर के लैंग्वेजेस के लिए भी ऑप्शन है और आप लैंग्वेजेस का पेपर देके लैंग्वेज के लिए एडमिशन भी ले सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये पूरा मैं स्मार्ट बोर्ड पे समझाऊंगा। सेकेंड हो जाता है इनका डोमेन, डोमेन का मतलब हो जाता है कि आप पर्टिकुलर 12वीं वाले जो सब्जेक्ट्स लेके पढ़ाई की हो उन्हीं कुछ सब्जेक्ट्स को आप लोग एम रख के उनको अपना डोमेन मान के एग्जाम में डोमेन का पेपर दे सकते हो। सपोज एक एग्जांपल देता हूं, किसी को बीएससी करना है तो उसके लिए जो प्रॉपर डोमेन बनाया गया है वो बनाया गया है बीएससी मैथ के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। बायोलॉजी के लिए देखा जाए बीएससी मैथ के लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर मैं BA LLB की बात करूं तो उसके लिए जो सिलेबस बनाया गया है वो लीगल डोमेन लेने के लिए बोला गया है। अगर हम लोग बात करें GMI में हिस्ट्री लेना है तो उसके लिए आपको हिस्ट्री का पेपर देना पड़ेगा। अगर JNU में जाना है तो जिस लैंग्वेज से जाना है उस लैंग्वेज का डोमेन एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये आपको डोमेन के बारे में एक पूर्ण नॉलेज होना चाहिए, जो कि स्मार्ट बोर्ड पर मैं समझाऊंगा। उसके बाद एक लास्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं जनरल टेस्ट, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं GT। जनरल टेस्ट की खास बात यह है दोस्तों कि ये लगभग कोर्स में कंपलसरी है। कुछ यूनिवर्सिटीज तो अपना एडमिशन चाहे किसी भी कोर्स में हो लगभग वो बस GT बेस्ड कर दिए हैं कि आप जनरल टेस्ट दिए हो, अच्छा ठीक है आ जाओ आप मेरे यहाँ BCom कर लो, अच्छा आप आ जाओ मेरे यहाँ BA कर लो, अच्छा आप मेरे यहाँ आ जाओ BSc कर लो। मतलब जिस तरीके से उनका अपना यूनिवर्सिटी का खुद का एक बुलेटिन होता है उसमें उन्होंने खुद अपना एक प्रोस्पेक्टस जारी कर रखा है, रूल्स बना रखा है, अगर उसको फुलफिल करता है तो आप उस यूनिवर्सिटी में बस GT देके जा सकते हो। GT का सिलेबस सबसे ज्यादा वर्सेटाइल है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। जैसे लास्ट टाइम GT का जो सिलेबस रहा उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए वो करंट सिनेरियो सबसे फेमस क्वेश्चन पूछे। जैसे कि आपको पता है कि पराग अग्रवाल सडन बहुत फेमस था क्योंकि वो ट्विटर का CEO थी, अभी उनको हटा दिया गया है। तो ऐसे में पराग अग्रवाल से क्वेश्चन पूछा गया, सबको पता है कि यूक्रेन और रशिया का कंफ्लिक्ट चल रहा है, तो रशिया यूक्रेन के बीच के जो भी कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड क्वेश्चन या उनके प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन या उनके कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, उनके करेंसी, उनके कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। उसी समय आपने देखा होगा श्रीलंका में भी बहुत फेमस हुआ अपने इकोनॉमी को लेके, तो श्रीलंका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। उसी दरमियान हमारे देश में कुछ स्टेट में CM वगैरह के पद चेंज हुए, कुछ राज्यपाल नए नियुक्त हुए, तो ये भी क्वेश्चन बन के CUT एग्जाम में पूछे गए थे। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मल्टीनेशनल कंपनीज, कुछ कमीशन बनाए गए, कुछ समिट हुए, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गया। तो इसका भी यानी जनरल टेस्ट का एक प्रॉपर सिलेबस जो है वो BHU पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आपको स्मार्ट बोर्ड पे 1x1 एक एक स्टेप समझा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को आज इस वीडियो में एक इंट्रोडक्शन है ओवरऑल कि CUET 2023 के माध्यम से यदि आपको विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो आप लोग हर एक स्टेप्स को जानना शुरू कर दो। लैंग्वेज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, GT क्या होता है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग किस यूनिवर्सिटी में सीटें मिल सकती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है आपको, अगर क्योंकि आपके बस की बात नहीं है भाई, हमारे पास 40 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि CUET में अपने आपको ऐड कर रखी हैं, बाकी देश के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि CUET में अपने आपको ऐड कर रखी हैं। तो ऐसे में ये आप कैसे पता करोगे किस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ये काम हमें आसान कर दूंगा। ये हम बता देंगे आपको कि आप लोग जब CUET का फॉर्म डालना तो आप अपने डोमेन में ये सब्जेक्ट भी रखना, आप अपने जनरल टेस्ट को सेलेक्ट करना और लैंग्वेज में ये लैंग्वेज रखना, क्योंकि आप अगर ये सब चीजें फॉलो करते हो तो आपके पास यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। देखो कभी भी CUET आने का सबसे बड़ा एम ही यही है कि आपको एक प्लेटफॉर्म से अलग अलग विंडोज देना, अलग अलग
प्रोसीजर अलग अलग यूनिवर्सिटी में एक पेपर से एग्जाम के थ्रू एडमिशन दिला देना, सबसे बड़ा एम यही है। तो आपको इस एम का फायदा उठाना चाहिए। ये फायदा कैसे उठाओगे? जब आपको पता रहेगा कि हाँ भाई हमें इस एक एग्जाम से बीएचयू में भी दाखिला मिलेगा, इलाहाबाद में भी मिलेगा, डीयू में भी मिलेगा, जेएमआई जेएनयू में भी मिलेगा, बहुत सारे साउथ और नॉर्थ इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें भी एडमिशन मिलेगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बच्चों ने मुझे एग्जाम सेंटर पे जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था उस दरमियान मिले, मैं बोला क्या किस चीज का एग्जाम है, बोला उन्होंने कि सर मेरा बीए का एग्जाम है। मैं कहा किस यूनिवर्सिटी के लिए, तो बताया जेएमआई के लिए। मैं कहा पेपर किस चीज का दे रहे हो, तो पता चला वो बस एक लैंग्वेज और जीपी का दे रहे हैं, जबकि जेएमआई में डोमेन कंपलसरी है। और वही अगर आप बीएचयू में आना चाहते हो तो आपको बस एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट से आपका काम बन जाएगा। सोचो कितना कंट्रोवर्सियल है, मतलब एक्चुअली इसको समझना पड़ेगा। तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देने वाला होना चाहिए जो इन सब चीजों को बताए कि भाई देखो जेएमआई में जाना है तो ये लो, बीएचयू में जाना है तो ये लो, डीयू में जाना है तो ये लो, आपको ये बनना है, आपका एम ये है, तो ये कोर्स आप करो। मतलब इस पूरे रिक्वायरमेंट प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपके पास एक मेंटर, आपके पास एक गाइडर होना चाहिए जो आपको इन सभी चीजों से हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट कराता रहे। नहीं तो पता चला कि आप एग्जाम देकर एग्जाम देकर तो आ जाओगे, लेकिन आप कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किए रहोगे और आपका पूरा साल बर्बाद चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब आगे की स्टेप्स को हम लोग जानते हैं। आप लोग अभी फिलहाल अपने बोर्ड एग्जाम को दे रहे होंगे, आप पूरा का पूरा फोकस अपने बोर्ड एग्जाम्स पे करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जैसे बीएससी, आपके बोर्ड एग्जाम के ही डोमेन जो है वो आपको वहां पूछे जाने वाले। इलेवेंथ का कोई यहां लेना देना नहीं है, बस ट्वेल्थ का सिलेबस पूछा जाना है। लेकिन जिनको बीए करना है, जिनको बीए एलएलबी करना है, इट मींस कि आप अपने बारहवीं में जो चीजें पढ़ रहे हो उससे हटके कोई कोर्स करना है, तो ऐसे में आपको 1.5 से 2 घंटे अब से देना शुरू कर देना पड़ेगा सीयूटी के लिए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल थोड़ा हाई है, पूरे बच्चे एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, तो कंपटीशन आपको थोड़ा फाइटिंग करनी है यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये देखो कि आपका कोर्स क्या है, ठीक है, और उस कोर्स के अकॉर्डिंग आप जो जिस कोर्स में आप जाना चाहते हो उस कोर्स के अकॉर्डिंग आपका बारहवीं में सब्जेक्ट्स है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको अब उस सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी शुरू कर देनी पड़ेगी। बाकी जब आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएंगे, फॉर्म भरने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बता रहा हूं, क्योंकि फॉर्म के लिए कम से कम 1 महीना आराम से मिलेगा। फॉर्म आने के बाद तुरंत फॉर्म नहीं भरना है, फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उससे बुलेटिन को पूरा रीड करने के बाद मैं आपके पूरे ऑप्शंस आपके सामने रख दूंगा, उसको देखते हुए ही फॉर्म भरना है, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। और इतने कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बीएचयू पाठशाला इज नॉट अ कॉमन यूट्यूब चैनल। ये जितना बेहतर आपको गाइडेंस प्रॉपर चीजों को समझा देगा, मैं खुद एक स्टूडेंट होता तो मैं नहीं फॉलो करने जाता, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है, कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि एक्चुअली वो किसको फॉलो करे किसको फॉलो ना करे। मैं आपको गारंटी देता हूं बीएचयू पाठशाला के पास 5 वीडियोस देख लो कोई रैंडम उठा के, मैं तो शॉर्ट्स बोल रहा हूं आप उठा के देख लो, अगर आपको ना लगे कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो मत करना, आप खुद समझ जाओगे कितना ज्यादा ये एक मोटिवेशनल, कितना अच्छा गाइडेंस अपडेट देने वाला और कितना अच्छा एजुकेशनल चैनल है। तो प्लीज Everyone do like and do share, subscribe this channel, like this video, share this video in your friend cycle, in your friend school friends. और हाँ, अभी इस वीडियो में बस मैंने अनाउंसमेंट करा है कि CUET 2023 के लिए आप तैयार हो जाओ और प्रॉमिस करो कि 2023 में आने वाले विश्वविद्यालय में एक सीट आप जरूर लोगे। बाकी मैं स्मार्ट बोर्ड पे खड़ा होकर हर एक पोर्शन को समझा दूंगा, डोमेन के सिलेबस, लैंग्वेज का सिलेबस, जीटी का सिलेबस और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप रही थे। सो प्लीज आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, होपफुली हम लोग बहुत जल्द पूरी चीजों को डिटेलिंग में समझेंगे। और आपके लिए लास्ट में जो ऑप्शन मैं दे रहा हूं वो है बीएचयू पाठशाला का ऑफिशियल नंबर, ठीक है, 9151780747, ये आपके लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करें, इस नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल करके व्हाट्सअप करके अपनी इंक्वायरी ले सकते हो। होपफुली आप पहले व्हाट्सअप करना, अपना एक टाइम फिक्स करना कि सर मुझे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए या मुझे बैच ज्वाइन करना है, क्योंकि बीएचयू पाठशाला में सीयूटी की तैयारी भी होती है, तो आप लोग प्रॉपर उसमें पूछ सकते हो सर हमें बैच ज्वाइन करना है या हमें
गाइडेंस चाहिए, आपको एक टाइम दिया जाएगा या आपको कॉल बैक रिटर्न किया जाएगा, आप उसको कॉल को अटेंड करना, बकायदे 5-10-15 मिनट में पूरी चीजों को अच्छे से समझ लेना, अपनी प्रॉब्लम बताना, उसका सोल्यूशन पाना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, हर हर महादेव, मुस्कुराते रहिए।